दुनिया में आतंकी फंडिंग की रोकथाम और निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की सोमवार से पेरिस में मीटिंग चल रही है। इसमें सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान पर होने वाला है। पाकिस्तान को 16 महीने दिए गए थे ताकि वो आतंकवाद की फंडिंग रोकने के पुख्ता इंतजाम करे, आतंकियों पर एक्शन ले। लेकिन पाकिस्तान भला कैसे अपने दुलारे आतंकियों पर एक्शन लेता? इसलिए अब यह सामने आ रहा है उसे FATF की डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। पाकिस्तान के काले कारनामे तो ब्लैकलिस्ट के लायक ही हैं, फिर भी पाकिस्तान FATF की किसी भी निगरानी लिस्ट में बना रहता है तो उसके लिए मुश्किल ये होगी कि उसे उधार मिलने में बड़ी मुसीबत आ जाएंगी, और बिना उधार लिए वो इस समय अपना देश चला ही नहीं सकता। अगर ब्लैकलिस्ट हो गया तो पाकिस्तान में पैसा लगाने वाले तो दूर, चीन जैसे देश जिन्होंने बड़ा निवेश कर रखा है उनके लिए भी मुसीबत आ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान को उधार देने वाले मुख्य कर्जदाता जैसे IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो पाकिस्तान को और पैसा दे पाए। यानी कंगालिस्तान ने आतंकियों का पालन पोषण करते हुए अपनी तबाही का टाइम बॉम्ब फिट कर लिया है। FATF की डार्क ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है ये भी हम आपको समझा देते हैं। FATF के नियमों के अनुसार ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के बीच एक जरूरी स्टेज होता है जिसे डार्क ग्रे लिस्ट माना जाता है। सीधे शब्दों में डार्क ग्रे का मतलब है कि ब्लैकलिस्ट करने से पहले की आखिरी चेतावनी और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद पर FATF के एक्शन प्लान को पूरा करने का अंतिम चांस। पाकिस्तान को पिछले साल जून में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसके बाद उसे एक एक्शन प्लान दिया गया था जिसे पाकिस्तान को 16 महीने यानी अक्टूबर 2019 तक पूरा करना था, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर पाया। पेरिस में मीटिंग से पहले FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके अनुसार आतंकी फंडिंग रोकने के लिए FATF की 40 तकनीकी सिफारिशों में पाकिस्तान सिर्फ एक को पूरा कर पाया। आतंकी फंडिंग पर असर डालने वाले 11 पैमानों में 10 में पाकिस्तान के उठाए कदम न के बराबर प्रभावी रहे। इसी रिपोर्ट के आधार पर और इस पर वोटिंग के बाद पेरिस में 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पर फैसला होना है कि उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जाए या फिर सीधा ब्लैकलिस्ट किया जाए। लेकिन तीनों ही सूरतों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय उधार पर देश चला रहा है, लोन पैकेज पर पाकिस्तान की सांसें चल रही हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $6 अरब का लोन पैकेज, सऊदी अरब से $6 अरब का पैकेज, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से $2 अरब का पैकेज, चीन से $6.5 अरब का लोन पैकेज और एशियाई विकास बैंक से $50 करोड़ का पैकेज शामिल है। FATF की ब्लैकलिस्ट में अभी सिर्फ दो देश ईरान और उत्तर कोरिया हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। इसमें ईरान के पास तो तेल है इसीलिए वो दाने दाने को मोहताज नहीं हुआ। उत्तर कोरिया की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है इसीलिए उसके लिए भी उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी मुसीबत पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास न तेल है, ऊपर से 20-21 करोड़ की आबादी वाला देश कब तक उधार पर चलेगा, और ब्लैकलिस्ट हुआ तो ये उधार भी बंद हो जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान के ऐसे काले कारनामे हैं कि ब्लैकलिस्ट होने से उसे बचना नहीं चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फायदा उठाकर वो इससे बच सकता है, क्योंकि FATF में 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठनों के 1-1 वोट होते हैं। इन 39 वोट में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए सिर्फ 3 वोट जरूरी हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसे चीन, मलेशिया और टर्की का वोट मिल जाएगा। चीन, मलेशिया, टर्की ने उसे पिछली बार भी ब्लैकलिस्ट होने से बचाया था। इस साल जुलाई से FATF का अध्यक्ष पद चीन के पास है, इससे भी पाकिस्तान को मदद मिलेगी। हालांकि इनके सहारे पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट से भले बच जाए, ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कम से कम 11 वोट जरूरी होते हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत पहले ही कह चुका है कि आतंक को पालने पोसने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ चुका है। ये संदेश पाकिस्तान को बचाने वाले टर्की, मलेशिया जैसे देशों के लिए भी है। सीरिया में टर्की ने जब हमला किया तो सबसे पहला विरोध भारत ने किया, इसके बाद मलेशिया को सबक सिखाने की बारी थी, जिससे भारतीय आयातकों ने पाम ऑयल का निर्यात कम किया। भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत किसी पर मोर्चे पर घेराबंदी में कसर नहीं छोड़ेगा। आज PM ने हरियाणा की रैली में पानी को लेकर पाकिस्तान पर फिर बड़ी बात की है। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा,
ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है।